finally I meet my Chinese friend who come from China to me. Thailand. So this Assalamualaikum, उम्मीद है कि आप सब हैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माई चूब चैनल खान विलाग्स। सो अभी टाइम है 8 बजे, सुबह सवेरे टाइम है। तो आज हमें पता चला कि मिर्चावाला जो टीचर्स है वो पेशावर आ रहे हैं, मतलब पहुंच गए हैं। तो उसके साथ क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी उसके साथ मीटअप करें, क्योंकि जब आप किसी से ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपका दिल चाह रहा है कि मैं उसके साथ फिज़िकली मीटअप करूं। तो हमने भी स्लॉट बुक किया है, हम भी उसके साथ मिलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने व्यूअर के साथ भी छोटा सा व्लॉग शेयर करें। तो आप हमारे साथ रहिए और व्लॉग को पूरा इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आ जाएगा यह व्लॉग। इस टीचर के साथ हम मिलेंगे फिज़िकली और देखेंगे कि किस तरह है फिज़िकली। ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त टीचर है, मतलब बहुत अच्छा टीचर है, और फिज़िकली हम देखेंगे कि किस तरह है। तो चलिए देखते हैं फिज़िकली। तो गाइस मुझे 5 मिनट दे, मैं 5 मिनट में तैयार होके आपसे मिलता हूँ। सो चलो फाइनली गाइस हम रेडी हो गए और रियलिटी में हमने 2 घंटे लगाए और वीडियो में हमने 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लगाए। तो फाइनली हम रेडी हो गए और अब हम जाएंगे और आपसे हम बाद में। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए और अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर का माहौल देखेंगे। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये है मेरे पीछे सेरिना होटल, यहाँ पे हम मुलाकात करेंगे टीचर से। तो यहाँ पे हम पहुंच गए और यहाँ पे हम इंटरव्यू लेंगे, पता चलता है। लेकिन पहले तो हम फीस जमा करते हैं, एफडी सीए मतलब जितने भी फीस है वो हम पहले देते हैं। ये पेपर वाला एग्जाम गाइस हमारा मीटअप ख़त्म हो गया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ हमने सीखा भी। अब तो सर बोल दे भोसड़ी के। तो और इंशाल्लाह अप्लाई भी करेंगे। और फाइनली आई मीट माय चाइनीज फ्रेंड हु कम फ्रॉम चाइना टू मी। थाईलैंड। सो दिस यू आर माय फ्रेंड। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। दिस इज माय फैन, दिस ओह दिस वन, दिस इज माय फैन। एब्सोल्युटली थैंक यू वेरी मच। तो गाइस मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और सिर्फ नाश्ता किया था। तो अब हम खाना खाएंगे फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं अपने हॉस्टल पहुँच गया हूँ और काफ़ी थक चुका हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने मीटअप से काफ़ी कुछ सीखा भी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस टीचर से सब, तो मुझे प्रॉपर गाइड भी किया। क्योंकि आपको जब एक कैरियर होता है ना, एक मतलब जिस फील्ड में भी हो आप कोई गाइड ना करे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है चाहे जिस फील्ड में भी हो। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद भी आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।